मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दुर्गा पूजा. एज यू नो, रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा. इट इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल. जैसे ही फेस्टिवल सुनते हो तो वट कम्स इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जैसे ही फेस्टिवल का नाम सुनते हो तुम्हारे दिमाग में आता है फन, स्वीट, सो मैनी स्वीट्स इधर उधर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हॉलीडेज. तो हॉलीडेज आजकल नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत दिन से कोरोना के कारण छुट्टी में हो. तो जितने भी बच्चे होते हैं या फिर कोई भी होते हैं, वो फेस्टिवल का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत हैप्पीनेस से पूरी तरह भर जाते हैं. तो और इन आवर कंट्री जहाँ हम रहते हैं इंडिया में, बिकॉज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेनी रिलीजियस लिव्ड हियर विद पीसफुल्ली. बहुत सारे रिलीजियस के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. तो सालों भर कोई ना कोई फेस्टिवल बनती रहती है ना, कोई ना कोई फेस्टिवल. और हमारा जो फेस्टिवल है हिंदुओं का, अभी जो हमने सेलिब्रेट किया है 2-3 दिन पहले, दुर्गा पूजा, एंड इट इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल इन होल इंडिया. बट मेनली जहाँ जो सबसे ज़्यादा इसको पूजा जाता है, सबसे ज़्यादा जहाँ का फेमस है वो है बंगाल का. एंड ये 10 दिनों तक मनाया जाता है. इसको हम लोग कब मनाते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या. ठीक है, तो दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है हिंदुओं का, एंड ये मनाया जाता है ऑटम के महीने में. ठीक है, कौन से महीने मनाया जाता है? ऑटम के महीने मनाया जाता है. और इस पूजा में हम गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं. इसमें हम गॉडेस दुर्गा, गॉडेस मतलब देवी, देवी दुर्गा की, वी वॉरशिप गॉडेस दुर्गा. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने राक्षस था एक महिषासुर, उनका वध किया था, ये भी माना जाता है. मतलब 9 दिनों तक लड़ाई चली थी और 10वें दिन उन्होंने भगवान जो थी वो महिषासुर का वध किया था, इसलिए मनाया जाता है. और भी दूसरा जो रीज़न है वो उसमें कहा जाता है, जब भगवान राम, गॉड राम, तो दूसरा जो रीज़न था इसको मनाने का वो था, जब भगवान राम लंका जाते हैं रावण से लड़ने, तो पावर के लिए भगवान देवी चंडी की पूजा करते हैं, ये भी रीज़न है. ठीक है, तो इसलिए 10वें दिन जो है, मतलब ये फेस्टिवल पूरे 9 दिन मनाया जाता है और 10वें दिन रावण का वध किया जाता है. ठीक है, ये जो नेक्स्ट देवी दुर्गा जो है वो गोरे क्या के शेर पे आती है. ठीक है, उस पर ही बैठी रहती है, देखे होगे. और इस दिन पूरे 9 दिन हम अच्छे से पूजा का पाठ करते हैं. अब बहुत सारे लोग फास्टिंग भी रखते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डे फास्टिंग रखते हैं और लास्ट डे नवमी के दिन रखते हैं, और कुछ लोग 10 दिन भी फास्टिंग रखते हैं. और लोग घरों में पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, मंडपों में पूजा होती है, बड़े बड़े मंडल पंडाल बनाए जाते हैं, पंडाल बनाए जाते हैं. और 7 दिन तक तो 6 दिन ऐसे ही पूजा होती है, 7वें दिन 8वें 3 दिनों तक बहुत भारी मेला लगते हैं, लोग वहाँ जाते हैं. एवरी वन वेयर्स न्यू क्लॉथ, सारे लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए नए वेराइटीज़ के नए नए फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं. छुट्टियाँ होने के कारण लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते हैं. और 9वें दिन जो फेस्टिवल का 9वां दिन होता है, उस दिन जो है लोग लड़कियों को खिलाते हैं, जो फास्टिंग रखते हैं वो खिलाते हैं. तो दुर्गा पूजा जो है अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर. लेट्स रीड दिस. दुर्गा पूजा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सिग्निफिकेंट फेस्टिवल फॉर हिंदू. दुर्गा पूजा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, फेमस मीन्स यू नो प्रसिद्ध एंड सिग्निफिकेंट फेस्टिवल फॉर हिंदू, विच इज़ सेलिब्रेटेड मेसिवली ऑल ओवर इंडिया, विच इज़ सेलिब्रेटेड मेसिवली ऑल ओवर इंडिया. वी सेलिब्रेट इट इन ऑटम, वी वॉरशिप गॉडेस दुर्गा. वी सेलिब्रेटेड सेलिब्रेट इट इन ऑटम, वी वॉरशिप गॉडेस दुर्गा हु किल्ड महिषासुर, सिम्बलाइजिंग विक्ट्री ओवर एविल. ओके, everyone wears new clothes, everyone wears new clothes, eat a variety of food and sweets, meet with their family, friends and relatives, and go to pandal hoping durga puja. This festival Kolkata can be seen in a different type of festivity mood.
फेस्टिवल ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर पास्ट इन द हार्ट्स ऑफ एवरी बंगाली कम्युनिटी पीपल.